सजेशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। लोकसभा चुनाव से पहले वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र ने साजिशन उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जिससे वो चुनाव प्रचार नहीं कर सके। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को अब हार का डर सता रहा है। वही कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि केंद्र ने बहुत बड़ी साजिश के तहत अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जिससे वो चुनाव प्रचार न कर सके। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और इसी ऐतिहासिक हार के डर से ये नेता अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी इसका सबूत है। नड्डा ने कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे ITAT हो या दिल्ली HC, उन्होंने कांग्रेस के नियमों का पालन करने, बकाया करों का भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस पार्टी ने हर क्षेत्र, हर राज्य और हर जगह केवल लूट की हो, उसके लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने आज दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि हमें भारत के लोकतंत्र, भारत की मीडिया और भारत की न्यायपालिका पर गर्व है। उधर संबित पात्रा ने कहा कि जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात है तो अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस खुद को कानूनों से ऊपर मानती थी लेकिन ये मोदी की सरकार है, अब ऐसा नहीं होगा।